इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोला और सरकार को पिछड़ा विरोधी समाजवादी पार्टी ने बताया है। माननीय न्यायालय ने वही बात सामने रखी है जो सरकार ने पक्ष रखा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके अधिकारी पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं, उनकी सोच उनके खिलाफ है। उनकी सरकार से लेकर के सब जगह आप देख लीजिए, वो नहीं चाहते हैं कि पिछड़े समाज का नेतृत्व भी उभरे, पिछड़े जातियों को नेतृत्व करने का मौका मिले। तो ये सरकार का नकारापन कह सकते हैं। ये सरकार चाहती तो 6 महीने पहले कमीशन बना करके, सर्वे करा करके पिछड़ों को आरक्षण दे सकते थे, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके बीजेपी ने पिछड़ों का आरक्षण छीना। भारतीय जनता पार्टी वो शिक्षक भर्ती में ओबीसी को आरक्षण नहीं देती, वो जाति जनगणना का विरोध करती। आज भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराना चाहती, इसलिए जानबूझ के एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जानते हुए भी आरक्षण की व्यवस्था में पेज को ढीला छोड़ दिया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने आज पेज को टाइट करके बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का फैसला किया। लेकिन समाजवादी पार्टी बिना आरक्षण के चुनाव कराए जाने का विरोध करती है, ओबीसी के हक के लिए समाजवादी पार्टी लड़ती रही। राकेश चौधरी अध्यक्ष अवध बार एसोसिएशन और चुनाव आयोग के वकील ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको। यह है कि चूंकि नगर पालिकाओं के चुनाव और नगर निगमों के चुनाव का समय आ गया है, इसलिए उनका चुनाव तुरंत कराया जाए और उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन दिया जाए, ओबीसी के लिए कोई सीट रिजर्व ना की जाए और बिना ओबीसी के सीट के चुनाव करा दिया जाए, क्योंकि ट्रिपल सर्वे के तहत उसमें समय लगेगा, जो उच्चतम न्यायालय का निर्देश है उसका पालन करने में, इसलिए ये चुनाव बिना उनके रिजर्वेशन के ही करा दिया जाए। यह क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कमीशन का गठन होगा, बिल्कुल किया गया है, लेकिन ये जो प्रेजेंट चुनाव है वो बिना किसी कमीशन के निर्णय के होगा, बिना किसी कमीशन के आदेश के होगा। सिर्फ इलेक्शन कमीशन और सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि मौजूदा चुनाव बिना ओबीसी के रिजर्वेशन के करा दिया जाए, ये क्लियर है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए निकाय चुनावों के लिए 5 दिसंबर को ड्राफ्ट जो जारी हुआ था नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला अपना सुना दिया और ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव करवाने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने सरकार से यूपी निकाय चुनाव का रास्ता इसी के साथ ही साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने साफ तौर से कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव सरकार करवाए, यह आदेश हाईकोर्ट का है। ट्रिपल ट्रस्ट के बिना कोई भी आरक्षण नहीं, यह भी हाईकोर्ट ने कहा। फैसले को लेकर अब लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार था, इंतजार खत्म हुआ, निकाय चुनाव का रास्ता इसी के साथ ही साफ हुआ। सरकार को फैसला लेना है ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव करवाए जाएंगे या फिर नहीं, इसको लेकर जो आखिरी फैसला होगा वो सरकार लेगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया, जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं, कोर्ट ने कहा। और आरक्षण के बगैर चुनाव करवाने हैं तो जल्द से जल्द चुनाव करवा ले सरकार, ये भी हाईकोर्ट ने कहा है। और अगर कमीशन गठन करना है, कमीशन का गठन होना है, उसके बाद जांच आकलन करना है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो लंबी प्रक्रिया है, ये भी हाईकोर्ट ने कहा, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन जल्द से जल्द चुनाव करवाने हैं तो ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव सरकार करवाए। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या ट्वीट किया है, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है, आपको दिखाते हैं। निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये बात कही है केशव प्रसाद मौर्य ने। ये ट्वीट है हाईकोर्ट का फैसला, और फैसले के बाद अब ये कहा जा रहा है कि सरकार को ये आखिरी फैसला लेना है, और उससे पहले ये ट्वीट के माध्यम से रिएक्शन सामने आया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श किया जाएगा, परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। और ये भी बात उन्होंने कही है कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, समझौते के मूड में सरकार नहीं है, इस बात का भी जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में किया है। तो फैसले को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का
ये बड़ा बयान आप कह सकते हैं, ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जो फैसला हाईकोर्ट ने दिया है उसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, परामर्श, उसके बाद फिर कोई फैसला लिया जाएगा चुनाव को लेकर। पर सपा मीडिया सेल ने ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा है। पिछड़ा विरोधी भाजपा का असली चेहरा आज सामने आ गया है। भाजपा यादव विरोधी तो थी ही, भाजपा ने कुर्मी कोइरी, लुहार भुर्जी, कश्यप निषाद, मल्ला गोंड, धुरिया नाई, तेली मौर्य, शाक्य कुशवाहा समेत सभी अन्य पिछड़ा वर्ग, सबको धोखा दिया है। समस्त पिछड़ा वर्ग भाजपा की नीयत जान ले। तो ये सपा की मीडिया सेल का ट्वीट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और निशाना साधा गया है सरकार पर, सबको बीजेपी ने धोखा दिया है, समस्त पिछड़ा वर्ग भाजपा की नीयत को जान ले। ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। तो ये ट्वीट आप देख रहे हैं, हैशटैग पिछड़ा विरोधी भाजपा का असली चेहरा आज सामने आ गया है। भाजपा यादव विरोधी तो थी, भाजपा ने कुर्मी कोरी लुहार बुर्जी कश्यप निषाद मल्ला गोंड धुरिया नाई तेली मौर्य शाक्य कुशवाहा समेत सभी अन्य पिछड़ा वर्ग, सभी को धोखा दे दिया है। समस्त पिछड़ा वर्ग भाजपा की नीयत जान ले। तो ये सपा के मीडिया सेल ऑफिशियल आईडी से ये ट्वीट किया गया, आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल का ये ट्वीट है जो कि अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह उन्होंने निशाना साधा है। भाजपा की सहयोगी अपना दल का बयान भी सामने आया है। मंत्री आशीष पटेल ने एबीपी गंगा से बातचीत की, उन्होंने फोन पर यह बातचीत की। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, आशीष पटेल का कहना है। हाईकोर्ट के फैसले का पार्टी अध्ययन कर रही, आशीष पटेल का यह कहना। आपको बता दें कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव सही नहीं है, आशीष पटेल ने यह कहा है। तो एबीपी गंगा से उन्होंने फोन पर बातचीत की है। उन्होंने बोला है कि हाईकोर्ट के फैसले का पार्टी अध्ययन अभी लगातार कर रही है, बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव सही नहीं रहेंगे। तो आशीष पटेल का बयान सामने आया है, उन्होंने एबीपी गंगा से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने सहयोगी अपना दल का यह बयान है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले का पार्टी अभी भी लगातार अध्ययन करेगी, मंत्री आशीष पटेल ने पूरी जानकारी दी है। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, विवेक लखनऊ से लगातार बने, शैलेश भी लगातार बने हुए। विवेक, आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको लेकर। अब केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट भी हमने दर्शकों को बताया, उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के हित में जो भी होगा वो सरकार करेगी, इसका संदेश वो दे रहे हैं। और विपक्षी पार्टी हमलावर हो गई इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी सरकार पर। बिल्कुल दीपा, देखिए बहुत बड़ा वोट बैंक है जो पिछड़ा वर्ग है ओबीसी, बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसको लेकर दोनों दलों में जो प्रमुख दल हैं, सत्ताधारी दल और विपक्षी दल, दोनों में एक तरह से गला काट प्रतियोगिता है किसके पास ये वोट बैंक जाएगा। और आरक्षण का जो आज फैसला है कोर्ट का, बहुत साफ फैसला है। कोर्ट ने सबसे जो सरकार की तरफ से, जो राज्य सरकार की तरफ से आरक्षण किया गया था ओबीसी का, उसको रद्द कर दिया है। और दूसरा, अधिसूचना जारी करने पर जो रोक लगी थी वो रोक हटा दी है, राज्य सरकार के पाले में गेंद डाल दी है कि भैया अब तुम करो जो करना है, हमने अपना फैसला दे दिया। चुनाव करना है तो अभी करना होगा, बिना आरक्षण के करना होगा। अगर आरक्षण लागू कराना है तो फिर सर्वे कराना होगा, ट्रिपल टेस्ट कराना होगा, कमीशन का गठन करना होगा। ओबीसी आरक्षण पे अगर चुनाव करना है तो बिना कमीशन के नहीं होगा, और अगर चुनाव कराना है, आपकी प्राथमिकता चुनाव कराने की है, तो ओबीसी आरक्षण की जगह सामान्य किया जाएगा। यानी जहां जहां पर ओबीसी आरक्षण दिया गया था उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया और कहा है कि यहां यहां पर इस चुनाव में सामान्य तरीके से सामान्य सीट घोषित करके चुनाव कराया जाएगा। राज्य सरकार के पाले में गेंद है, सरकार क्या चाहती है, जिस तरह से ट्वीट पर वार हो रहे हैं लगातार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में बहस हो रही है, उससे समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि ओबीसी आरक्षण गलत तरीके से पेश किया गया था और सरकार फायदा उठा रही है। ये भी कह रही है कि जितने पिछड़ी जाति वाले हैं वो समझो भाजपा की नीतियों को, साजिशों को समझो कि वो तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं।
केशव देव मौर्य का कहना है कि पूरी तरह से तैयार है सरकार, पूरी तरह से, और पहले भी तैयार थी सरकार ने, जिस तरह से ओबीसी आरक्षण लागू किया था सरकार की तैयारियां पूरी थी। एक इशारा हाईकोर्ट की तरफ से चाहिए था और वो चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करनी थी और तारीखें जारी ऐलान करना था। अब सरकार के पाले में है कि सरकार क्या करती है। अगर सरकार को ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव कराना है तो आज शाम से ही तारीखें घोषित कर सकती है कि बिना ओबीसी आरक्षण के सामान्य सीटें घोषित करके चुनाव कराना है तो आज शाम को तारीख आ सकती है, अधिसूचना जारी हो सकती है। लेकिन अगर सरकार को कमीशन का गठन करना है तो लंबी प्रक्रिया लगेगी। ये भी एक तीसरा पॉइंट ये भी है कि सरकार हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। ये चैलेंज करेगी, जैसे कि अपना दल के जो नेता हैं उन्होंने कहा, आशीष पटेल ने, कि हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो आज शाम को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं की, जो कोर कमेटी है उसकी, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये बैठक होगी और उसमें तय होगा कि अब आगे क्या निर्णय लेना है। क्या ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव करा देना चाहिए? अगर ये होता है तो जनवरी तक चुनाव संपन्न हो जाएगा, नुकसान को फरवरी के पहले कोई कदम सरकार आगे बढ़ाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक जिसकी बात सामने आती है। अब आरक्षण के बगैर चुनाव होते हैं तो लॉस होगा, जाहिर सी बात है। अब क्या सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है इस पर भी लगातार नजर होगी। शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश, प्रबल संभावना किसकी नजर आती है? क्या होगा, जनवरी में चुनाव संभव या फिर आगे ये लंबा प्रोसेस जाने वाला है, सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकती है सरकार, क्या दिखाई दे रहा है? दीपा, निश्चित रूप से इसकी जो एनालिसिस है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया जी से, हमारे साथ मौजूद है। निकाय चुनाव का मामला है, लखनऊ की महापौर है, उन्हीं से बातचीत करते हैं सबसे पहले। वो इस पूरे फैसले को, इस पूरे मामले को किस तरह से देखती हैं? मैम, जिस तरह से कोर्ट का आज फैसला आया, कोर्ट ने अब तो सरकार के पाले में छोड़ दी है गेंद और ये कहा है कि अगर चुनाव कराना है और आरक्षण के साथ कराना है तो कमीशन का गठन करना होगा, ट्रिपल टेस्ट कराना होगा, नहीं अगर इतना करना है, चुनाव प्राथमिकता है, तो फिर तत्काल जहां पर ओबीसी आरक्षण था सामान्य सीट मानकर उसको चुनाव को कराया जाए। कैसे आप लोग देखते हैं? बहुप्रतीक्षित फैसला था जो आ चुका है और उस पर कोर्ट के निर्णय के साथ हमारी पार्टी जो भी निर्णय लेगी, हम पार्टी के साथ उसी के साथ चलेंगे। और क्योंकि पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है और सबको साथ लेकर चलने का काम कर रही है, और पार्टी जो भी करेगी, जो भी निर्णय करेगी, बहुत अच्छा निर्णय करेगी, सबके हित में करेगी। पार्टी के साथ, चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी के साथ हैं, जो पार्टी निर्णय लेगी उस पर हम काम करेंगे। आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं जो पार्टी की लाइन है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब ये आरोप लगा रही है आप लोग के ऊपर कि भाजपा जो है वो पिछड़ा विरोधी दल है, इसी वजह से उसने ऐसी परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं पैदा कर दी कि हालात आ जाए, ओबीसी के आरक्षण ना लग पाए, इस तरह के आरोप आप लोग पे लग रहे हैं? नहीं, आरोप लगाना उनका काम है, वो गलत आरोप लगाते हैं, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना। और हम भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबकी चिंता की है, सबका साथ सबका विकास किया। परिस्थितियाँ जो भी पैदा हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं हुई हैं, वो परिस्थितियाँ तो ये उनका काम है कहना, वो कहते रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलती है और चलती रहेगी। आपकी पार्टी से ही देखिए, डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जी, उनका ट्वीट आप भी देख रहे थे, तो उन्होंने जिस तरह से कहा कि अब इस पूरे मामले में पहले मंथन किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा फैसले का, लेकिन पिछड़ों का अहित नहीं होने दिया जाएगा, अधिकारों को उनके हनन नहीं होने दिया जाएगा। और आप ही की पार्टी के आपके सहयोगी दल है जो अपना दल है, उसके आशीष पटेल जी का कहना है कि इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे, यानी पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। पार्टी जो निर्णय करेगी हम उसके पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी सबका साथ सबका विकास मैंने कहा लेकर चल रही है, तो हम पार्टी कहीं किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी और हम पार्टी के साथ चल, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं इसलिए पार्टी के साथ चलेंगे। अच्छा, भाजपा ये कह रही थी कि इस मामले को कोर्ट तक ले जाने के पीछे बड़ी भूमिका सपा की रही, यानी एक तरफ तो आपकी पार्टी कहती है सपा इस मामले को कोर्ट तक ले गई इसलिए पूरा मामला फंस गया चुनाव का, और दूसरी तरफ सपा कह रही है कि भाजपा पिछड़ा विरोधी है। सपा हमेशा भाजपा को गलत साबित करती आई और आरोप लगाती आई, आज भी आरोप लगा रही है, तो हम लोग को आदत है आप लोग तो यहाँ पर दीपा, आप सुन रहे थे कि किस तरह से साफ तौर पर जो महापौर है उनका कहना है कि जो भी पार्टी फैसला लेगी, और निश्चित रूप से देखिए क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा के पदाधिकारी हैं, भाजपा के मेयर हैं, तो निश्चित रूप से जो पार्टी का निर्णय होगा उसको मानना होगा। लेकिन जहां तक आप अभी एनालिसिस की बात कर रहे थे कि किस तरह से आगे के जो आसार दिख रहे हैं, तो देखिए जो कोर्ट ने कहा वो ये कहा कि अगर आपकी प्राथमिकता
चुनाव कराने की है तो आप बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इसके आदेश आने के तत्काल बाद से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी की आप प्रतिक्रिया देखिए ट्वीट पर, उन्होंने कहा हम फैसले का अध्ययन करेंगे और पिछड़ों के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा, यानी रुख कहीं ना कहीं पता चलता है उन शब्दों में जो ट्वीट किए गए हैं। दूसरी तरफ पार्टी के ही सहयोगी दल है अपना दल एस, उसमें आशीष पटेल सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो उनका जो बातचीत हुई फोन पर, उन्होंने भी साफ कहा कि इस मामले को उच्चतम न्यायालय लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ आप देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो भी आरोप लगा रही है कि भाजपा पिछड़ा विरोधी है, और समाजवादी पार्टी की अगर वोट बैंक की बात करें तो जब यादवों की बात होती है, बाकी तो ओबीसी बड़ा चलता रहेगा, स्थिति परिस्थितियां ऐसी बन गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।